जय जगन्नाथ। कैसे हो आप लोग? आपको लग रहा हो आप बच्चे का फोटो सेलिब्रेटिंग लाइफ और ये जंगल में क्या कर रहा है? आते हैं वो टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले ना दिल से एक सोच निकल रहा था तो सोचा बता दें, क्योंकि दिल में कुछ भी ऐसा सोच आते हैं ना बता देना चाहिए, क्या पता कोई दूसरे दिल को सुझाए। एक्चुअली हम छोटे से कब बड़े हो जाते हैं ना समझ में ही नहीं आता है। हम चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे करके स्कूल, प्राइमरी से हाई स्कूल, कॉलेज, फिर शादी, जॉब, शादी, बच्चे, ऐसा होके बड़े हो जाते हैं। हमको देखा जाए ना नॉर्मली तो ऐसा फील ही नहीं होता कि हम बड़े हो रहे हैं, जब तक आप कोई ऐसा दूसरे को ना देखो। मानो कोई आस पड़ोस का बच्चे या रिलेटिव्स में आपके फैमिली मेंबर जो कि बहुत दिन के बाद देख रहे हो, राइट, ऐसा लग रहा है अरे ये इतना छोटा सा है, ऐसा खेल रहा था, अभी ये बड़ा भी हो गया, उसका बच्चा भी हो गया। अरे सिर्फ वही बड़ा नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ हम भी बड़े हो रहे हैं। लेकिन ना ऐसा कभी समझ में नहीं आता हमको कि हम बड़े हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि देयर इज सम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारा कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि कभी वैसे वो बड़ा नहीं होता, ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना एजिंग होता है। पहले जैसा था अब भी वैसा है, आगे भी ऐसे ही रहेगा। हमारा जन्म होने से पहले भी था, उसके बाद भी रहेगा। वैसे किसकी बात कर रहा हूँ तो सबको पता हो गया रहेगा, बट फिर भी ये जो चीज है ना, ये सोचने की बात है। वो जो हमारा ट्रू नेचर है, उसके वजह से ना हमको कभी फील नहीं होता कि हम बदल रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, जब तक हम गहराई से ना सोचे कि ऐसा बैठ के हाँ हमारा एज हो रहा है। इन जनरल तो कभी मालूम नहीं पड़ता है। तो जितना जल्दी हो सके थोड़ा बहुत ना उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये क्या चीज है, उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत समय निकलना चाहिए। चलो मैं हम आप लोगों को लेके चलता हूँ बेंगलुरु फिर से। एक्चुअली मेरा बड़ी बहन आए हैं। वैसे हम तो दो बहन और एक मैं, इकलौता लड़का, मैं सबसे छोटा हूँ। जो बड़ी बहन की बड़ी बेटी है, सॉरी मतलब एक ही बेटी है, उसका बेटी का सेलिब्रेशन, मतलब मेरा भांजी का बेटी, तो उसको 6 महीना हुआ। मतलब मैं जिसको मेरा भांजी को तो मैं ऐसे ही मतलब घुमा रहा था गोद पे, अभी उसका भी बच्चा हो गया। दिस इज द 4th जनरेशन। मतलब मेरा मम्मी का बेटी का बेटी का बेटी, 4th जनरेशन मेरा भांजी, भांजी का बेटी। और आयुष्मान अंकल बन गया, मामा बन गया, और हम नाना जी बन गए। देखो ऐसे ही समय जाता है। तो चलो सीधा उधर चलते हैं, आप देखो वो सब उधर क्या हो रहा है। लाइफ पूरा मतलब हैपनिंग है उधर तो पूरा। आप सोच रहे होंगे इधर 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 भी हैपनिंग है भाई। दिखाऊं कैसा हैपनिंग है? ये देखो ऐसा एक प्लांट नजर आ रहा है, इसको अगर स्मेल करोगे ना, ये इतना ब्यूटीफुल उसका मतलब फ्लेवर, मतलब क्या बोलता है जो बोलते ना, एकदम भयंकर उसका खुशबू है। ये शायद इसका कोई प्रजाति का है, रोजमेरी का कोई प्रजाति है, बहुत ही भयंकर। और ऐसा तो आसपास प्लांट्स ये सब भरे पड़े हैं इधर। तो मैं इधर समय बिताता हूँ, आप देखो उधर क्या सब चल रहा है, बहुत मजा आने वाला है। और बच्चे को जब देखते हो तो उसका आंखों में देखो, फुली प्रेजेंट में कैसे जीता है ना, बस वही हमको सिखा सकता है। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मेहमानी और हमारी छोटी मेहमान, आप लोगों को स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल लाइफ टू एक्सप्लोर में। कैसे हैं आप सब? हम बहुत अच्छे से हैं। और हमारी घर आई है हमारी नन्ही परी, और आज उसका है 6 मंथ बर्थडे, हाफ ईयर हो गया उसको। आयुष्मान मामा बन गया और मैं नानी बन गई। ये मेरी नातिन है। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ आज का पूरा क्या करती हूँ दिन भर, उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लंच का प्रिपरेशन, और उसके बाद इवनिंग में उसका केक कटिंग, ये सब शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। हाय हाय।
बाकी जो है हाँ अब अच्छे अच्छे अंतर भारी पड़ ना ना भारी बढ़िया रहा ची ये ना जति पिया इसी सती रोके पट रहे ठीक है ना पूरा पूरी अच्छी पूरा अच्छी है बामलू जो चुपड़ा आउ थरे पिया हो ची ये ना अभी हमारा नन्नी परी का फोटो शूट चल रहा है। आयुष्मान बन गया है कैमरामैन, मामा जी बन गया आयुष्मान, मामा कैमरामैन। वैसे आयु का ना अभी छोटे बच्चे के साथ खेलना फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका, वो कभी भी ऐसे छोटे बच्चे के साथ खेल नहीं था, इसलिए उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है। मेरे मुंह से तो भाई बहन ही निकल जाता है, लेकिन बोलता है कि नहीं मामा मैं भाई नहीं हूँ मैं मामा हूँ। उसका पोस्ट ज़्यादा बढ़ गया ना, इसलिए उसको बहुत क्रेडिट मिलता है उनसे, ये छोटा मामा है। तो चलिए उन दोनों को खेलने दीजिए, तब तक मैं हमारा खाना बना लेती हूँ। ओह तारो की खुशी की खुशी हाँ ओ की ओचो आई
मीना मैं चावल का खीर बना रही हूँ। पहले घी में थोड़ा सा चावल को ऐसे भून लूंगी, उसके बाद पूरा मिल्क में पकाऊंगी एक घंटा या 45 मिनट्स ऐसे। जब पूरा चावल पक जाएगा ना, उसके बाद सब ड्राई फ्रूट्स और शुगर डाल दूंगी, तो हो जाएगा हमारा चावल का खीर। अभी मैंने मलाई कोफ्ता का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मलाई कोफ्ता के लिए मैंने बॉइल्ड आलू ले लिया मास करके, और ये छेना पनीर, और उसको ना बाइंडिंग करने के लिए थोड़ा सा मैंने मैदा, अभी थोड़ा सा इसके स्टफिंग के लिए, ये ऑप्शनल है, आप लोग डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। और कोरिएंडर लीव्स, धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं। ये बाइंडिंग होने के बाद ऐसा शेप दे देंगे हम बॉल जैसा। कोफ्ता हमारा तैयार हो गया, अभी उसको फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने से पहले मैं उसके लिए मसाला का पेस्ट बना लेती हूँ। मसाला के पेस्ट के लिए मैंने प्याज, काजू और टमाटर, उसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लूँगी, उसका पेस्ट को इसमें डाल दूँगी, तो बन जाएगा हमारा मलाई कोफ्ता। तो हाँ, और एक चीज़ मैंने मलाई भी डालूँगी बाद में। अभी मैं कोफ्ते को फ्राई कर लेती हूँ। दूसरे कढ़ाई में मैंने बटर डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल। पेस्ट डाल दूंगी मैं। हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अभी मैं क्रीम डाल देती हूँ। मैं कोफ्ता को ये मसाले के अंदर डाल देती हूँ, तो 10-15 मिनट ऐसे ही बॉईल होने देती हूँ, उसके बाद हमारा बन जाएगा कोफ्ता करी। मेरा सारा खाना बन के तैयार, दही, बैंगन, जीरा राइस, दाल तड़का, ये चावल का खीर, और ये है हमारा मलाई कोफ्ता, ये पापड़। तो चलिए अभी लंच करते हैं।
अभी हमारी नन्नी परी तैयार हो रही है। क्या कट करना है? तू केक कट करेगा? सॉरी सॉरी करेगी। तू केक कट करेगी? हाँ हाँ बोल। नहीं परी 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 रेडी हो गई पूरा। नन्नी परी ଖାଇଥିଲା ତୋ ଝିଅ ସବୁ ଯା। ହଁ ତୁ ପିଠା ଖାଇଲା ଖାଇଦେ। ତମର ବର୍ଥଡେ ଛରିଗଲେ ଇଏ ମେରା ସେଲିବ୍ରେସନ ଖତମ ହୋ ଗ୍ୟା। ସବ କୁଛ ଆଜ ଅଚ୍ଛେ ସେ ବି ହୁଆ। ଆର ଆପ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ତୋ ଲାଇକ କିଜିଏ। ଆର ଯୋ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନହିଁ କିଏ ବୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିଜିଏ। ଆର ପରିକା नभ्या का सॉरी उसका वीडियो देखने के लिए ना वो इंस्टाग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज के लिए इतना। ठीक टेक केयर बाय बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पापा तो बाय 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 बाय।